नमस्कार प्रणाम करते नहीं भोजपुरी देखे वाला सारा श्रोता लोग, भोजपुरी सुने वाला सारा दर्शक लोग, वो लोग देख रहा बानी नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। स्वागत बा रउआ सबके हमारा अपन खास प्रोग्राम भोजपुरिया गॉसिप्स में। बता दें कि अपने खास प्रोग्राम में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल हर एक खबर लेके आए नहीं और ताजा तरीन खबर लेके आए नहीं। तो आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ ताजा तरीन खबर लेके आ चुकल बानी अपने खास प्रोग्राम में। तो चलिए बता दें कि आज के अपने खास प्रोग्राम का पहला खबर की तरफ बता दें कि आज के हमारा पहला खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के मृग नैनी कहे जाए वाली अक्षरा सिंह से जुड़ल बाटे। बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन एक्टिंग से कदम रख ली और अब सिंगिंग की तरफ बढ़ गई बड़ी, यानी सिंगिंग भी कर रहा बड़ी काफ़ी ज़्यादा, अपना सिंगिंग से भी धमाल मचा रहा बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में। बता दें कि अभी हाल ही में उनका एक और नया होली गाना के वीडियो आ चुकल बाटे, जौन के काफ़ी दिन से लोग इंतजार करते रहल, उनका चाहे वाला लोग काफ़ी दिन से वेट करते रहल कि कब तक अक्षरा सिंह अपन होली गाना के वीडियो लेके आई हैं। तो अक्षरा सिंह लेके आ गए बड़ी अपना होली गाना के वीडियो। तो चलिए बताओ तो नहीं कि आखिर वो गाना के बोल का बा, तो उनका गाना के बोल बाटे बैगन के, होली में बैगन के डिमांड बा, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे बाटे अक्षरा सिंह के गाना के। हालांकि बता दें कि खेसारी लाल यादव के बीते कुछ साल पहले को बैगन वाला गाना आ रहे बहुत ही ज़्यादा धमाल मचे ले रहे। अब देखे के भाई ये कि का अक्षरा सिंह अपने गाना से कितना धमाल मचा रहा बड़ी। लेकिन फिलहाल में ये खबर से यानी अक्षरा सिंह के गाना से जुड़ल हरेक जानकारी खातिर एक नज़र डाली हमारे खास खबर की तरफ। भोजपुरी इंडस्ट्री के मृग नैनी कहे जाए वाली अक्षरा सिंह आजकल काफी सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा बड़ी और अपना चाहे वाला लोगन खातिर एक से एक गाना और एक से एक फिल्म भी लेके आ रहा बड़ी। जी हाँ, रुआ लोगन के बता दी कि कुछ ही दिन पहले दिनेश लाल यादव निरहू और आम्रपाली के एगो होली गाना आई रहे, जमुना के काफी पीछे छोड़ दिले बड़ी अक्षरा सिंह। बता दी कि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा बाटे अक्षरा सिंह के और उनकर चर्चा उनकर आए वाला नया गाना। बता दी उनका गाना के नाम बटे होली में बैगन के डिमांड बटे, जौना के लेकर के काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा बिटोर रहल बड़ी अक्षरा सिंह और अपना गाना से दिनेश लाल यादव के काफी पीछे भी छोड़ दिले बड़ी। जाते जाते रोल को बता दी कि अक्षरा सिंह के ये गाना के वीडियो गाना आ चुकल बटे, जौन मात्र कम समय में काफी लाख लोग पसंद कैले बटे अक्षरा सिंह के गाना के। बता दिए कि अक्षरा सिंह अपना चाहे वाला लोगन खातिर 2019 में एक से एक बढ़ के तोहफा देवे वाला बाड़ी और अपन नया गाना और अपना नया फिल्म लेकर के जल्द ही आ रहा बाड़ी। लेकिन ये बात के अभी खुलासा नहीं कैले कि अभी नया गाना अभी फिलहाल में कौन लेके आ रहा बाड़ी अक्षरा सिंह अपना चाहे वाला लोगन खातिर। जैसे कि देखने लो कि आखिर अक्षरा सिंह के गाना के कितना लोग पसंद कैले बाड़े और उनका गाना से हर एक जानकारी। तो चलिए वो बर्तन आज के अपन दूसरा खबर की तरफ। जी हाँ, बता दें कि आज के दूसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से ना बल्कि हिंदी फिल्म के इंडस्ट्री से जुड़ा बटे। ये बता दें कि हिंदी फिल्म के गायकी के सिरमौर कहे जाए वाले उदित नारायण जी से जुड़ल बटे। होली 2019 में 21 मार्च के होली आए वाला बाटे और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक से एक सिंगर जे अपना चाहे वाला लोग खातिर होली के बधाई अपना गाना के माध्यम से देते लो। लेकिन यही बीच में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बटे, जौना में उदित नारायण जी होली के बधाई दे दिले बानी और एगो गाना मधुर सा गाना गा के, जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित गाना बाटे, वो गाना गा के और पूरा भारत के लोग के होली के बधाई दे दिले बानी। तो चलिए थोड़ा सा बता देंगे आखिर वो कौन सा गाना गले बड़े। तो उदित नारायण जी गाना गले बनी रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ये गाना गा के और पूरा लोग के होली के बधाई दे दिले बानी इतना दिन पहले। तो चलिए एक नज़र डालिए वो खास खबर की तरफ कि आखिर उदित नारायण जी से वो कहाँ जाके ये गाना गा के और लोग के बधाई दिले बानी। बिहार के पावन पर्व, जौना के बिहार के काफी लोग इंतजार करेला और पूरा देश में भी धूमधाम से मनावल जाला। बता दें कि जौना के नाम बा होली। बता दें कि होली पर पूरा देश झूमत और नाचत दिखेला, लेकिन बिहार के लोग के अंदर जुनून होली के लेकर के कुछ अलग ही रहेला। बता दें कि होली 2019 में 21 मार्च के पड़ल बटे, लेकिन अभी से ही होली के बधाई भोजपुरी स्टार डबल स्टार कर देले वालो। जी हाँ, बता दें कि बिहार के सिंगर 2019 के होली के बधाई अपना गाना के माध्यम से लोग के देवे के स्टार्ट कर देले वालो और लोग वो लोग के गाना सुन के वो लोग होली के बधाई ले रहल वालो। लेकिन यही बीच में मिथिला के रहे वाला उदित नारायण भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बाड़े। जी हाँ, बता दें कि उदित नारायण भी होली के बधाई
दे देले बाड़े। हालांकि होली अभी दूर बा, लेकिन उदित नारायण बिहार के और पूरा देश के लोग के बधाई दे देले बाड़े अपना होली गाना के लेकर के। बता दे कि एगो इंटरव्यू में मीडिया के सामने रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे के लेकर के गाना गा के और पूरा लोग के होली के बधाई बोल देले बाड़े। एकरे वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चित नजर आ रहल बानी उदित नारायण जी। हालांकि बता दे कि उदित नारायण जी मिथिला के रहे वाला बानी और हिंदी फिल्म में एक से एक गाना गैले बानी और भोजपुरी फिल्म में भी एक से एक सुपरहिट गाना गैले बानी। जैसे कि रोला देख रहे हैं लोग कि आखिर उदित नारायण गाना गा के पूरा लोग के होली की बधाई दे देले बानी। चलिए वही बढ़ता नहीं आज के अपन तीसरा खबर की तरफ। जी हाँ, बता दे कि आज के तीसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाए वाले रवि किशन से जुड़ल बटे। बता दे कि रवि किशन के भोजपुरी में एगो और फिल्म आ रहा बटे जौना के काफी दिन से लोग इंतजार करते रहो। फिल्म के नाम बटे चैंपियन। जी हाँ, बता दें कि चैंपियन के ट्रेलर 12 मार्च के रिलीज होके वाला बटे और इनका साथे साथे पावर स्टार पवन सिंह की भी फिल्म क्रेक फाइटर के ट्रेलर आए वाला बटे। और जो देखे के बटे कि रवि किशन के और पावर स्टार पवन सिंह के ट्रेलर में किसका ट्रेलर के सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहा बटे। अब हालांकि क्रेक फाइटर 21 मार्च के रिलीज होके वाला बटे, लेकिन अभी तक चैंपियन फिल्म के डेट फिक्स नहीं है बल्कि कब तक रिलीज होगी। लेकिन अब देखा जाओ कि ट्रेलर में कितना धमाल मचा रहा बटे दोनों जना भोजपुरी इंडस्ट्री के शाबाश से लोग। तो चलिए एक नजर डालिए खास खबर की तरफ कि आखिर फिल्म चैंपियन में रवि किशन के का किरदार बा और फिल्म के कहानी का सब की जानकारी खातिर एक नजर डालिए खास खबर की तरफ। भोजपुरी के मेगा स्टार कहे जाए वाले रवि किशन हमेशा से सोशल मीडिया पर चर्चा में बनल रहत बाड़े। जी हाँ, बता दें कि उनकर चर्चा उनकर आए वाला नया फिल्म के ट्रेलर के लेकर के हो रहा बटे। रउआ लोगन के बता दें कि उनकर फिल्म चैंपियन के ट्रेलर के तारीख आ गई बा जौना के लेकर के काफी लोग इंतजार भी करत रहला सब है। बता दें कि रवि किशन के चैंपियन फिल्म के ट्रेलर 12 मार्च के रिलीज होके वाला बाटे। ये फिल्म में रवि किशन के साथ है राजू सिंह भी नजर आए वाला बाटे। और एक एक्ट्रेस के बारे में बात करी तो रउआ लोगन के बता दें कि फिल्म में कनक पांडे नजर आए वाला बाटे। बता दें कि फिल्म में पहली बार रवि किशन के साथ है कनक पांडे नजर आई हैं। अगर ये फिल्म के कहानी के बारे में बात करिए तो फिल्म के कहानी काफ़ी इमोशनल कहानी बा और पारिवारिक कहानी बा। रवि किशन एगो इंटरव्यू में बताइले बड़े हैं कि ये फिल्म में एगो पति दू गो शादी कर लेता है और दोनों के शरीर से लड़का नहीं होता लो उससे लेके रिलेटिव कुछ कहानी बनल बटे और बहुत ही दमदार कहानी बटे। रवि किशन का नाम बा कि फिल्म के जे भी देखी वाकई में फिल्म के तारीफ करी। अब देखे कि बात है कि 12 मार्च से जब फिल्म के ट्रेलर आओ तब तो सोशल मीडिया पर लोग कितना है फिल्म के ट्रेलर के पसंद कर रहा था इताय वाला समय बताई। जैसे कि रोल देखने लोग फिल्म चैंपियन में रवि किशन के साथ है और की नजर आया वाला बटे और कहानी का बटे। तो चलिए वही बर्तन आज के अपन चौथा खबर की तरफ। जी हाँ, बता दें कि आज का चौथा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाए वाला पवन सिंह से जुड़ल बटे। बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म क्रेक फाइटर 21 मार्च के रिलीज होके वाला बटे और अपना चाहे वाला लोग खातिर क्रेक फाइटर के बाद फिल्म तिरंगा के शूटिंग के लिए स्टार्ट कर देले बड़े पवन सिंह। अब देखे के भाई ये कि का उनका क्रेक फाइटर के लोग कितना पसंद कर रहा बटे और क्रेक फाइटर से के लोग कितना देख रहा बटे। फिलहाल रउआ लोग एक नज़र डाली हो खास खबर के तरफ और जाने कि आखिर क्रेक फाइटर की कहानी क्या बटे और क्रेक फाइटर से जुड़ल हर एक जानकारी खातिर एक नज़र डाली खास खबर के तरफ। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की राजा फिल्म इन दिनों सिनेमा घरों में धमाल मचाए हुए हैं। लेकिन राजा फिल्म देखने के बाद पवन के चाहने वाले और फैंस के बीच उनकी एक्शन से भरी फिल्म का इंतजार बेसब्री से था। अगर आपको भी पवन सिंह के फिल्म का इंतजार है तो ये इंतजार सिर्फ कुछ ही समय का है जो पूरा होगा होली के मौके पर, क्योंकि 21 मार्च से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस और सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर। इस फिल्म की शूटिंग होने में बेशक से काफ़ी महीनों का समय लिया गया हो, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया गया। फिल्म की डबिंग हो या फिर फिल्म के सारे गाने शूट भी हो चुके हैं और एडिटिंग भी हो चुकी है। जी हाँ, बहुत मेहनत की है पवन सिंह ने इस फिल्म के लिए। 4 महीने से लगातार अपने फैमिली से दूर अलग अलग लोकेशंस पर ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के शूट करते हुए पवन देखे गए थे। पवन के साथ पूरी टीम इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्टिव रही 3 से 4 महीने तक।
पूरी रात जाकर पवन ने इसकी डबिंग भी पूरी कर ली है और अब फाइनली इस फिल्म का ट्रेलर के रिलीजिंग डेट भी आ चुकी है। सुनने में आया है कि 11 मार्च को इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज हो जाएगा। अगर 11 मार्च को आप लोगों को ट्रेलर नहीं देखने को मिला तो फिर 12 मार्च इस फिल्म के ट्रेलर की आखिरी डेट है, यानी 11 और 12 मार्च के बीच आप लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा सोशल मीडिया पर सिर्फ एक दिन बाद। उसके बाद आपको 21 मार्च को ये फिल्म देखने के लिए मिलेगी जबरदस्त टकराव के साथ। तो देखना ना भूलें अपने फेवरेट स्टार पवन सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रैक फाइटर को होली के मौके पर। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जैसे रोल देखने लगे फिल्म क्रैक फाइटर में, कहानी के बाद क्रैक फाइटर में पवन सिंह के काफी किरदार बांटे हैं। हालांकि लुलिया गर्ल के साथ नजर आ रहे पवन सिंह, अब देखेंगे भाई कि सबसे ज्यादा धमाल पवन सिंह मचा होता है कि वही बीच में दिनेश लाल यादव की फिल्म शेरे हिंदुस्तान आ रहा बटे या फिर वो मचा होता है, ये तो आए वाला समय ही बताई। लेकिन फिलहाल मैं आपको दे दिलो इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के साथ है, ऐसे ही बना रही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली, कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के पल पल के खबर हमारे चैनल रोगों को देते रहे। नमस्कार।